एक मिनट रुक जाइए। देश जी के जरिए हिंदुस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ पर्सनालिटीज और कुछ रंग पेटेंट क्यों हैं। मसलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बीएसपी के पेटेंट और नीला रंग उनका पेटेंट। ठीक है, एक मिनट सुनिए। भराला जी का पेटेंट जो है वो भगवा रंग है। राम मनोहर लोहिया और जेपी और लाल रंग जो है वो मुजफ्फर खान का पेटेंट है। महात्मा गांधी जो है वो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पेटेंट है। ये पेटेंट जो है ये जुड़ा कैसे है राशिद? देखिए, मैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा था, रंग, राजनीति का क्या रंग है, रंग के कितने इंटरेस्टिंग आंसर और प्रिडिक्शंस और एनालिसिस आ रही है। अभी आप ये देख रहे हैं और आपको, हम लोगों को आंसर मिल रहा है कि राजनीति और रंग का क्या रिलेशन है। सवाल यह है, देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी पेटेंट नहीं कराया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि केवल एक अमुक तबका मुझे माने। सेम चीज यही है, देखिए, भगवा भी भगवा ने या भगवा को जिन लोगों ने बनाया, आप ये देखिए, रामचंद्र जी हो गए या कोई और, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जी केवल एक लोग भगवा को माने और कोई लोग भगवा को टच नहीं कर सकते, पान नहीं कर सकते। ये है रंगों का राजनीतिकरण, धर्म का राजनीतिकरण। मैंने आपको अभी एक लेटेस्ट उदाहरण दिया था कि धर्म एक निजी विषय हो सकता है टीवी पे बोलने के लिए। कर्नाटक के इलेक्शन में लिंगायत समाज को तुरंत बोल दिया गया कि अगर हम जीते तो हम आपको स्पेसिफिक दर्जा एक ये दे देंगे। वहां पे धर्म, चुनावों में धर्म एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, एक सामाजिक समस्या बन जाती है, जिसको ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है कि इसको दूर करना बहुत जरूरी है। ये उनका एक पॉलिटिकल मिशन बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इनका ये है, विकास हो या ना हो, लेकिन जो जिस रंग में अपने पार्टी को रंग सकता है, टाइम टू टाइम वो रंगता रहता है।